व्यूवर्स, मैं कशी शो, स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे सारा अली खान की। वैसे तो आपको बता दें कि सारा अली खान अपने सारे सोशल मीडिया पे लगातार एक्टिव रहती है और अपने फैंस के लिए कुछ ना कुछ लगातार अपलोड करती रहती है, जिसको देखकर फैंस भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि अगली पोस्ट सारा की क्या होने वाली है। अभी लेटेस्ट उनकी पोस्ट थी जिसमें वो भेड़बत्ती चलाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब एक इंटरव्यू की पोस्ट वायरल हो रही है सारा की, और उस इंटरव्यू में उनके साथ उनके पिता सैफ अली खान भी मौजूद थे। और ये शो था करण जौहर का, करण विद कॉफी की हम बात कर रहे हैं, या बात कर ले कॉफी विद करण, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन शो तो करण जौहर का ही है। लेकिन इसमें बात ये हुई है, जब करण ने सारा से पूछा कि तुम शादी कब करोगी और किससे करोगी, तब उन्होंने कहा कि मैं अपने मामा से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और सैफ अली खान ने ये कहा कि बड़ी हो चुकी है, इसको पता है कि इसे अपनी जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं। ये बात भी इसने काफी सोच समझ कर ही कही होगी, तो अब इसको लेकर काफी ट्रॉल किया जा रहा है। और ये पूरी कहानी क्या है ये हम आपको डिटेल में बता दें कि सैफ अली खान बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार है, जिनका वर्तमान समय में पूरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। सैफ अली खान के बारे में बताएं तो वर्तमान समय में इनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, जिसके चलते वे अपना जीवन बहुत ही शानदार और आलिशान तरीके से व्यतीत करते हैं। सैफ के परिवार के बारे में बताएं तो उनके कुल 4 बच्चे हैं, जिसमें से 2 पहली पत्नी और 2 दूसरी पत्नी के। बता दें कि सैफ की पत्नी अमृता सिंह थी, जिससे वह अलग हो चुके हैं, और वर्तमान समय में अपनी दूसरी पत्नी करीना कपूर खान के साथ अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सैफ अली खान की पहली पत्नी के 2 बच्चे हैं, जिनका नाम सारा अली खान और इब्राहिम अली खान, और उनकी दूसरी पत्नी करीना कपूर के भी जो बच्चे हैं उसका नाम है तैमूर और जहांगीर। सैफ अपने सभी बच्चों को बराबर प्यार करते हैं। प्रेजेंट टाइम में सैफ अली खान और अपनी बेटी सारा अली खान की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान ने अपना एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह अपने मामा से शादी करना चाहती है। आज आपको हम पूरी कहानी बताते हैं कि आखिरकार ये सारा अली खान का मामू है कौन, और क्यों वह अपने मामा को ही अपना पति बनाना चाहती है। बता दें कि सैफ अली खान को जब सारा की बात पता चली तो उन्होंने मजाक के अंदाज में कहा कि सारा अपना सही गलत जानती है, उसने सोचा और बोला होगा तो सही ही होगा। जी हाँ, चकाने वाली बात तो है ये, लेकिन सारा अली खान का आज के समय में पूरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम हो चुका है। सारा अली खान ने अपनी पहली फिल्म केदारनाथ की दुल्हनिया की थी, जिसमें उनके एक्टिंग से लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे और उनकी फिल्म सुपरहिट हो गई। यहीं से सारा अली खान के सफ़र की शुरुआत हुई। इन दिनों सारा अली खान का एक वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें वह अपने प्यार के बारे में बता रही है और साथ ही अपने मन की इच्छा के बारे में भी बता रही है। सारा अली खान ने बताया कि वह किसी और से नहीं बल्कि अपने मामू से ही शादी करना चाहती है। ये बात करण जौहर के रियलिटी शो कॉफी विद करण की है। इस शो में सारा के साथ उनके पिताजी सैफ अली खान भी आए थे, और अपने पिता के सामने सारा अली खान ने अपने मन की इच्छा बताई कि वह किससे प्यार करती है और किसको अपना जीवन साथी चुनना चाहती है। जब सारा अली खान ने अपने मामा का नाम लिया तो सुनने के सभी लोग हैरान हो गए, और सारा अपने मामा को कैसे अपने जीवन साथी के रूप में चुन सकती है। आगे आपको और भी बताते हैं कि आखिरकार ये कौन से मामू की बात कर रही है। सारा अली खान ने अपने हाल ही के इंटरव्यू में बताया कि वह अपने मामा से शादी करना चाहती है। सारा अली खान जिसे शादी करना चाहती है वह कोई और नहीं बल्कि रणबीर कपूर है। जी हाँ, अब आप सोच रहे हैं कि रणबीर कपूर सारा अली खान के मामा किस रिश्ते में लगे, तो बता दें कि रणबीर कपूर और कोई नहीं बल्कि सारा की दूसरी माँ करीना कपूर के भाई ही है। इसी रिश्ते से रणबीर कपूर रिश्ते में सारा अली खान के मामा लगे, और इतना ही नहीं बल्कि रणबीर कपूर उम्र में भी सारा अली खान से बहुत बड़े हैं, जिसके चलते दोनों के रिश्ते के बारे में सुनकर सभी हैरान हो गए। लेकिन आपको क्या लगता है सारा अली खान की ये बात सुनकर, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ।